The journey of life will have different terrains. Some scenes are pleasant and some challenging. Let us explore the right ways of thinking and living to experience happiness always, because that will empower you and everyone around you. Brahma Kumari's Shipping Aviation Tourism Wing presents a two-day e-conference. Explore, experience, empower. Namaskar. ब्रह्मा कुमारी के शिपिंग एविएशन और टूरिज्म विंग के इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले 100 सालों में कितना सब कुछ बदल गया है। अगर हम देखें तो आज से 100 साल पहले कहाँ मनुष्य बैलगाड़ी से, घोड़े गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता, मगर आज हम सुपरसोनिक जेट्स के एज में रहते हैं। कुछ ही घंटों में आप दुनिया के इस कोने से उस कोने में पहुँच जाते हैं। कभी तो अगर आप किसी को पत्र लिखकर भेजते तो पहले ये महीनों का कारोबार होता। आज सिर्फ एक क्लिक ऑफ द बटन पे हम एक दूसरे को संदेश पहुंचा सकते हैं। पहले के खेलों की अगर बात की जाए तो गांव में सिर्फ कई सौ लोग बैठकर गांव में होने वाले एक खेल को देखते थे, मगर आज हजारों लाखों की संख्या में लोग एक बड़े स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेंजा को देखते हैं। ऐसा सब कुछ कैसे संभव हो पाया है? हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हम आगे जी रहे हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, मगर ये सब कुछ परिवर्तन जो हुआ है, क्या हम सबको आंतरिक खुशी दे पा रहा है? हम सब क्या कहीं रुक कर वापस अपने आप को अनवाइंड और रिवाइंड नहीं करना चाहते? हम में से अनेकों लोग सिर्फ इसलिए यात्रा करते हैं क्योंकि हम उस रूटीन से एक ब्रेक चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हटकर कुछ चैन और सुकून के पल हम सबको मिल सकें। मगर कभी कभार हम ये देखते हैं कि हम यात्राओं पर जाते भी हैं तो भी हमारा मन कहीं और यात्रा कर रहा होता है। कितने बार ऐसे हुआ है कि हमारे बगल से कोई बड़ी चीज़ निकल भी जाती है तो भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन एक और यात्रा कर रहा होता है। और बिल्कुल ये मन ही तो है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मन की आंखों से वो सब कुछ देख सकते हैं जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इस कॉन्फ्रेंस में एक छोटी सी कोशिश यही है कि हमारे भीतर एक और जगत है जिसे हम अंतर जगत कहते हैं। वहां पर बल के प्रतीक में अनेक पर्वत हैं जिन्हें हम लांग सकते हैं। शांति के अद्भुत समुद्र में हम छलांग लगा सकते हैं और उम्मीद की नई सरिताएं हर दिन बहती हुई अपने मंतर मन में आप देख सकते हैं। आइए एक छोटी सी कोशिश करते हैं इस अंतर जगत की यात्रा की ओर। इस बार के कॉन्फ्रेंस को हमने थीम दिया है एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एम्पावर। यानी हम पहले एक्सप्लोर करें अपने इस अंतर जगत को, यानी इस अंतर के मैं को जानने की, और फिर उसका अनुभव करें और फिर अपने आप को सशक्त करें। इस ई कॉन्फ्रेंस के पहले उद्घाटन सत्र में आप सभी का स्वागत है। किसी भी चीज़ की शुरुआत को हम एक अच्छे ख्याल के साथ करते हैं, कुछ शुभ विचारों के साथ करते हैं। तो इस सत्र के उद्घाटन के लिए भी मैं आपको ऐसे ही शुभ विचारों के साथ आमंत्रित करता हूं। ये कॉन्फ्रेंस आखिर हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग के वाइस चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी जी से। ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी एक ट्रेन्ड और अकॉम्प्लिश्ड योगी हैं। अनेकों दशकों तक उन्होंने लाखों लोगों को राजयोग की शिक्षा से ओतप्रोत किया है। आध्यात्म की अलख को जगाए रखने के उनके प्रयासों को अनेकों लोगों ने सराहा है। आइए उनसे सुनते हैं आज के कॉन्फ्रेंस के बारे में। ओम शांति। आज शिपिंग एविएशन और टूरिज्म विंग की इस ई कॉन्फ्रेंस में, जिसका थीम है एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस
एम्पावर, आप सभी जुड़े हुए हो, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर थीम है, विश्व में 7 वंडर्स बहुत ही नामी ग्रामी है, वो तो हमने बना लिए, किंतु वंडर तो ये हैं कि हम अपने स्वयं के जीवन में 7 वंडर्स की सुगंधी हमने भर ली है, हमें अपने आप को ही ये क्वेश्चन पूछना है कि 7 वंडर्स वो हमारे कौन से हैं जो हमें एक्सप्लोर करना है, हमारे अंतर मन में हमें देखना होगा, अंतर मन को हमें जागृत करना होगा। जब हम स्वयं में ही ये खजाने को खोजते हैं, ये आंतरिक संपदा को हम खोजते हैं, आंतरिक निधि को हम खोजते हैं, तो बहुत सुंदर हमारा जीवन सफल हो जाता है। और यह खजाने हर एक में भरपूर है, ये सारे खजानों से हम अपने आप को मालामाल कर सकते हैं। ऐसे ये कौन से खजाने हैं? अगर हम अंतर्मुखी होकर के, अर्थात हमारे मुख में जो भी सारी कर्म इंद्रियां हैं, बहुत महत्व की कर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं अर्थात दृष्टि, कान है सुनते हैं हम, मुख है हम बोलते हैं, चेतना है हम विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, ये सारी मुख्य हमारी कर्म इंद्रियां मुख में है। अंतर्मुखी होने से बहुत सुंदर रीति से हम इस खजाने को खोज पाएंगे। जब हम अंतर्मुखी बन जाते हैं तो स्वयं का जीवन संतुष्ट करते हैं और आनंद से हम भरपूर करते हैं, परमानंद ही हम कहेंगे। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे ही गांव में जाता है, जब वहां से वो पास करता है तो उस समय घर के बाहर में किसी के वो देखता है कि एक व्यक्ति वहां पर बैठा है और मुर्गी के जो बच्चे हैं वो मुर्गी के बच्चे वहां पर दाना खाते हैं और साथ साथ में एक बाज का भी बच्चा है, वो भी दाना खाता है। बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य होता है, तो वो व्यक्ति को पूछता है कि मुर्गी के बच्चे के साथ ये बाज का पक्षी जो है उसका बच्चा यहां पर, ये भी मुर्गी के बच्चे की तरह ही दाना खा रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ऐसा ही है, शुरू से ये इनके साथ ही बड़ा हुआ है, जन्म से ही। तो वो व्यक्ति कहता है, बुजुर्ग व्यक्ति, कि मैं इसको खरीद लेता हूं
आप मुझे दे दीजिए और वो खरीद लेता है। जब बाज के बच्चे को वो लेकर के जाता है अपने घर के अंदर, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देता है कि तेरा जो स्थान है वो पहाड़ी में है, आसमान में उड़ने का तेरा स्थान है, तुम बाज का बच्चा है, परंतु फिर भी उसमें कोई फर्क ही नहीं आता। फिर थोड़े दिन के बाद वो व्यक्ति बुजुर्ग उसको लेकर के जाता है एक पहाड़ी पर और वहां से उसको फेंक देता है। पहले तो वो बाज का जो बच्चा है वो आंखें बंद कर लेता है, फिर जब आंखें खोलता है नीचे गिरने लगता है, उस समय देखता है कि बहुत ही गहराई है तो काफी समय लगेगा, और उस समय अचानक उसने अपने पंख जो है वो बाहर निकालता है। जैसे ही वो पंख बाहर निकालता है, कोशिश करता है तो उड़ना शुरू कर देता है और फिर वो अच्छी तरह से उड़ने भी लगता है। मन ही मन में वो खुश होता है और पहाड़ी पर जाकर के वो बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद करता है कि बहुत आपका धन्यवाद है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको अपनी असली जो पहचान है, जो हकीकत है, वो ही मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही मनुष्य का है, यही कहने का तात्पर्य है कि हम अपने स्वयं को पहचानते नहीं हैं कि हमारे में कितने सारे खजाने, कितने सारे हमारे अच्छी तरह से भरपूर है, परंतु हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। यही तो हमें एक्सप्लोर करना है जिससे हमारा जीवन संपूर्ण रीति से सफल हो जाए। यह एक उत्कृष्ट, बहुत सुंदर अभिवृद्धि है हमारे जीवन में और यह अमूल्य है, जिसका मूल्य हम किसी के भी साथ कर ही नहीं सकते हैं। ज्ञान, ज्ञान एक विजडम है। ज्ञान से हमें बहुत अच्छी हमारी कमाई हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान अंधकार का विनाश करता है और रोशनी लेकर के आता है। ज्ञान एक प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा जो हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा ज्ञान का खजाना हमारे अंदर है, हमारी चेतना में है, हमारी ऊर्जा में है। चेतना, आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा की जो शक्तियां हैं वो भी अति सूक्ष्म है, और जब हम इन शक्तियों को जागृत करते हैं तो तीव्र गति से हम कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर गुण है, गुणों का हमें विकास करना है और अप्रकट शक्तियों को हमें प्रकट करना है।
प्रेम, एक भावपूर्ण स्थिति है हमारे अंदर। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है, हम सभी के और सभी हमारे हैं। यह अद्भुत प्रेम की स्थिति बहुत आवश्यक है जो हमारे जीवन को भरपूर कर देती है। ऐसी ये अद्भुत बात है आनंद की। आनंद का खजाना ही है। आनंद भी एक अद्भुत स्थिति है हमारी। आनंद के बिगैर जीवन जीना ही क्या होता है। एक बार एक ध्यानी वृक्ष के नीचे जंगल में बैठा था और एक लकड़हारा वहां पर आता है, लकड़ा काटता है, सारा दिन मेहनत करता है, लगातार दो दिन हो गए, ध्यानी कुछ भी बोलता नहीं। तीसरे दिन जब लकड़हारा आता है तो उसको कहता है कि आप सारा दिन ये लकड़ा इतना काट रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी तो कमाई बहुत अच्छी होगी। लकड़हारा कहता है कि मेरी जो कमाई है वो बहुत कम होती है, धन तो इकट्ठा हुआ ही नहीं है और मेरा परिवार ही मुश्किल से चलता है। तो ध्यानी उसको कहता है कि इसी जंगल में आप आगे बढ़ो, वहां पर चंदन की लकड़ियां हैं और आपकी आमदनी ज्यादा होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुरंत उसको विचार आता है कि फिर ये व्यक्ति यहां पर क्यों बैठा है। जब उसको पता है कि चंदन की लकड़ियां हैं, तो वो वहां पर क्यों नहीं बैठता और वो क्यों नहीं लेता, फिर भी सोचता है कि मैं जाकर के देखूं तो सही, और वो चला जाता है आगे। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो सचमुच वो देखता है कि चंदन का बहुत सारा वृक्ष वहां पर है। वो खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि मैंने ऐसा सोचा, वो ठीक नहीं किया। ये तो सच्ची बात है कि इतनी लकड़ियों का वृक्ष है यहां पर चंदन का, वो काटता है और उसकी आमदनी बढ़ती है। वो फिर चार पांच दिन के बाद ही वापस आता है और घर बैठे हुए उसकी आमदनी तो रहती ही है। फिर एक बार वो मिलता है ध्यानी व्यक्ति को, तो ध्यानी व्यक्ति कहता है अभी तक तुम चंदन की ही लकड़ियां काट रहे हो, तुम आगे बढ़ो, वहां पर चांदी का खजाना पड़ा है। उस लकड़हारे को विश्वास आ जाता है, वो चला जाता है, आगे बढ़ता है और वहां से वो चांदी का खजाना लेकर के जाता है। काफी सारे दिन वो घर में बैठता है और एक ही बार फिर बहुत दिनों के बाद वो जंगल में खजाना लेने के लिए चांदी का जाता है। फिर उसको ध्यानी व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि अभी तक आप यही कर रहे हो, चांदी ही ले जा रहे हो, आगे बढ़ो, वहां पर सोने का खजाना है। वो आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर वो मिलता है, बहुत ही श्रीमंत हो जाता है,
जब ध्यानी को फिर से मिलता है तो वो कहता है, और आप आगे बढ़ो, वहां पर हीरो का खजाना है। और वो व्यक्ति लकड़हारा वहां चला जाता है। अभी तो बड़े आराम से घर में रहता है, महल जैसे मकान भी बना लिया, उसकी उम्र भी बड़ी हो गई थी। एक बार सोचता है कि मैं धन्यवाद तो करके आऊं ध्यानी व्यक्ति को, और वो उनके पास जाता है तो कहता है कि अभी आप उधर ही हो, आप आगे बढ़ो। तो लकड़हारा कहता है, जो भी बड़ा सेठ बन चुका हुआ होता है, कि अभी मैं क्या आगे बढ़ूं, इससे ज्यादा आगे क्या हो सकता है। तो ध्यानी व्यक्ति कहता है कि मैं हूं, देखो मैं यहां पर प्रभु स्मृति में ध्यान में बैठा हूं, ये सबसे बड़ा धन है, और इस धन के आगे और कोई धन का इतना मूल्य नहीं है। आपके पास जो धन है वो तो बाहर का धन है, लेकिन मेरे पास जो है वो तो आंतरिक धन है। और एक बार हमें ये आंतरिक खजाने मिल गए, जो मैं यहां पर ध्यान में बैठा हूं, प्रभु की याद में यहां पर मैं बैठा हूं, ये सबसे बड़ा धन है, इसकी तुलना में और कोई धन आ ही नहीं सकता। तब लक्कड़हारे को ख्याल आता है और वो बहुत ही पश्चाताप करता है कि मेरी इतनी उम्र चली गई, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे तो ये सोच भी नहीं आया कि ये ध्यानी व्यक्ति यहां पर बैठा है हीरो का खजाना छोड़ करके। तो जरूर इतनी प्राप्ति इसे हुई है तब ये यहां पर बैठा है। वो ध्यानी व्यक्ति के चरण पकड़ लेता है कि मुझे आप ध्यान सिखाइए, कैसे प्रभु स्मृति में रहना है मुझे सिखाइए, आपको जो खजाने प्राप्त हुए हैं वो मुझे भी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन के अंदर ये सारे खजाने हैं ही, शक्तियों का भी खजाना है, हम शक्ति पुंज है। जब हमारे पास शक्ति है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। शांति का खजाना है, शांति हमारा स्वधर्म ही है, हमारा ओरिजिनल नेचर है शांति। शांति हमारे गले का हार है, शांति का खजाना बहुत हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है। ऐसे ही सारे खजाने, जो सात खजाने हैं, सुख का खजाना भी है। सुख और चैन, ये भी हमारा स्वभाव ही है। हर एक व्यक्ति को सुख पसंद है, हम स्वयं भी सुखी बने, औरों को भी हम सुखी बनाए। हम जितना औरों को सुख देते हैं उतना ही हमें रिटर्न में सुख मिलता है। वैसे भी कहा गया है, अति इंद्रिय सुख, अर्थात जो सुख हमें अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, स्वयं की ऊर्जा से प्राप्त होता है, आंतरिक सुख, वो है अति इंद्रिय सुख। जब इंद्रियों से सुख मिलता है तो वह सुख टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए ही होता है, परंतु यह आत्मिक सुख जो है वो हमेशा रहता है। हमारे जीवन में शांति, जो हम
अच्छी तरह से शांति से जीवन व्यतीत कर पाते हैं। अशांति किसी को भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर के लिए भी कोई अशांत हो गया, लेकिन बाद में फिर वो शांत ही हो जाता है। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता। पवित्रता वो तो जननी है, माता है सुख और शांति की। जब हम प्योर विचार करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं, पर्पसफुल विचार करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहता है और ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है और जीवन में सकारात्मकता आती है और ऑटोमेटिकली हम तामसिकता से मुक्त हो जाते हैं और कई प्रकार के सारे बोझ से हम मुक्त हो जाते हैं और कितनी भी चैलेंजेस आती हैं इस जीवन यात्रा में, वो सारी चैलेंजेस को हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। जीवन के अंदर जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए ये सारे खजाने हमें एक्सप्लोर करना होगा, हमें इसकी अलौकिक अनुभूति करनी होगी, एक्सपीरियंस हमें करना होगा। इस अलौकिक अनुभूति करने से एक बहुत सुंदर आभा मंडल बन जाता है और दिव्य खजाना हमें और भी प्राप्त होता है और दिव्य आभा मंडल पूर्ण रीति से बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हम उन्नति को प्राप्त करते हैं। अच्छी तरह से आंतरिक वैभव का सुंदर रीति से विकास होने लगता है और जब आंतरिक वैभव का विकास होने लगता है तो और सारे इंटरनल खजाने हमें प्राप्त होते जाते हैं और हमारा जीवन संपूर्ण रीति से संतुष्ट बन जाता और मूल्य सारे वो भी हमारे जीवन में आने लगते हैं और सारी नेगेटिविटी नकारात्मकता हमारे से बिल्कुल दूर होने लगती है और हमारे जीवन में वो प्रवेश ही नहीं करती। इतना चुंबकीय व्यक्तित्व, दिव्य शक्तिशाली एक व्यक्तित्व हमारा स्वयं का हो जाता है और हमारा स्वयं का जीवन सार्थक और सफल हो जाता है और हम संपूर्ण स्थिति के नजदीक पहुंचते हैं और ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते ये सात वंडर्स को एक्सप्लोर करते हुए अपने स्वयं के जीवन को हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, औरों को भी हम ऐसा दिव्य जीवन व्यतीत करने के लिए हम प्रेरणा दे सकते हैं। स्वयं हम मैसेंजर बनकर के, एक पैगंबर बनकर के हम औरों को भी सुंदर रीति से मैसेज हम दे सकते हैं तो स्वयं का जीवन भी सफल हो जाएगा और औरों का जीवन भी सफल हो जाएगा।
उनको भी एक प्रेरणा मिल जाएंगी और वो भी बहुत अच्छी तरह से स्वयं के खजाने को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे सुंदर रीति से और स्वयं को शक्तिशाली बना देंगे। आप सभी भी स्वयं का जीवन बहुत सुंदर रीति से व्यतीत करें, यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें परिचय कराया कि आज की प्रासंगिकता क्या है और किस लिए आज हम ये आयोजन कर रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हैं। भारत की पुरातन परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य के उपलक्ष में हम दीप प्रज्वलन करते हैं। हम आह्वान करते हैं अपने बीच उस प्रकाश का जो अंधकार से हमें छुड़ाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। इसीलिए हम उस प्रकाश स्वरूप दिव्य सत्ता को भी हमारे बीच आमंत्रित करते हैं। तो हम सब कैंडल लाइटिंग करते हैं और बहुत ही सुंदर गीत के साथ ये कार्यक्रम हम करेंगे, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। अगर आपके हाथ में कैंडल नहीं है या दिया नहीं है तो भी अपने मन के अंदर उस शुभ संकल्प के दिए को जलाइए। आइए करते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, ये भी एक नया तरीका है कि हम दीप प्रज्वलन भी कर रहे हैं तो भी अपने अपने घर बैठकर। बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है, हमें अपने नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जहां हम बैठकर एक शुभ संकल्प करते हैं तो उससे उजियारा होती है, उससे रोशनी होती है। अब कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डॉक्टर निर्मला दीदी जी को। डॉक्टर निर्मला दीदी जी, भारत के इस आध्यात्म की ज्योति को विश्व भर में प्रकाशित करने हेतु 1970 के दशक में ब्रह्मा कुमारीज को जो पहला कॉन्टिंजेंट निकला उसके सदस्य रहीं। राजयोग के इस प्रकाश को पांचों महाद्वीपों में फैलाने का उनको श्रेय है। ब्रह्मा कुमारीज के एशिया पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया के सेवा केंद्रों की वो निदेशिका भी हैं। साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में ज्ञान सरोवर परिसर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड की भी वो डायरेक्टर हैं। उनके आध्यात्म की गहराई, उनके सेवाओं की विशालता और विश्व कल्याण की भावना को हम उनके शब्दों में ही सुनते हैं। आइए लेते हैं ब्लेसिंग डॉक्टर निर्मला दीदी जी से, जो चेयरपर्सन हैं ब्रह्मा कुमारीज के शिपिंग एविएशन और टूरिज्म विंग के। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म के मेंबर्स तथा सुनने वाले जो भी ऑडियंस हैं, आज हम दो दिन की ये वेब कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हैं, जिसका थीम है एक्सप्लोर एक्सपीरियंस एंड एम्पावर। आजकल
कोरोना के कारण बिजनेस काफी बंद हो गए हैं या ढीले हो गए हैं। सबके सामने चैलेंजेस है, जो भी जॉब में है, जो भी बिजनेस में है, उनके पास काफी समस्या है। तो हमें समस्या को पार करने के लिए अपने में शक्ति भरनी पड़े, और शक्ति आएंगी कहाँ से, क्योंकि हमारे परिवार वाले, संपर्क वाले, साथी, चाहे नौकरी में है चाहे बिजनेस में है, सभी आजकल इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उदास हो गए हैं, दिल शिकस्त हो गए हैं। उन्हों को शक्ति भरनी है, पहले तो अपने में शक्ति भरनी है, और वो शक्ति कैसे भरेंगे? परमात्मा है सर्वशक्तिवान, निराकार परमपिता परमात्मा शिव को हम जितना याद करेंगे उतनी हमारे में शक्ति भरेंगे। भगवान को याद तो करते आए, खास दुख में तो याद करते हैं, परंतु कहा गया है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। इसलिए पास को पास छोड़ के अभी हमें भगवान को जानकर उनको रोज याद करने की प्रैक्टिस करनी है। भक्ति में भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, जप तप करते थे, मंदिरों में जाते थे, मूर्ति पूजा करते थे, परंतु ज्यादातर मन एकाग्र नहीं होता था। कारण क्या? जिसको याद करते थे उनको जानते नहीं थे। जितना उनको जानेंगे पहचानेंगे तो याद करना सहज हो जाएगा। गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो जो मात पिता है, बंधु है, सखा है, विद्या देने वाला है, सतगुरु है, उनको पहचान लिया, उनसे क्या प्राप्ति होती है ये बुद्धि में आ गया तो याद करना मुश्किल नहीं, याद करना सहज हो जाता है। तो ये सहज याद अभी सीखनी है, और उसके पहले हमें ये शरीर को भूलना है, शरीर के संबंधियों को भूलना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। क्योंकि शरीर को याद करेंगे, संबंधी याद आएंगे, नौकरी धंधा याद आएगा, मुसीबतें याद आएंगी। इसलिए सबसे पहले मैं आत्मा हूँ ये पक्का करना है, और उस स्वरूप में रहना है।
मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। ये मेरा शरीर है। शरीर द्वारा मैं काम कराने वाले चैतन्य शक्ति हूँ, ये याद रखना है। टेम्पररी जब भगवान की याद में बैठते हैं, शरीर को भूलो। एक उसकी याद में एकाग्र हो बैठो और परमात्मा को याद करो। परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु है, गुणों का सागर है, शक्तियों का भंडार है। जो शक्ति चाहिए वो हमें उनसे मिल सकती है। तो ये योग सहज है, सहज ज्ञान, सहज योग, उसको सीखो, अनुभव करो परमात्मा का और अपने को, समस्याओं को पार करने के हमारे में हम शक्ति भरे, तो जीवन सुखी बन जाएगा। वही तो हम चाहते हैं ना जीवन में, और क्या चाहते हैं कि हम खुश रहें, आबाद रहें, शांत रहें, परिवार हमारा खुश रहे। तो हम आपको गारंटी करते हैं कि राजयोग के अभ्यास से आप अपनी समस्याओं को पार करने में समर्थ बनेंगे और जीवन सुखी बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का, जिन्होंने हम सबको प्रेरणाओं से भरपूर किया और हम सब के लिए आशीर्वचन दिए। इन ब्लेसिंग्स को पाने के बाद लगता है कि जीवन की यात्रा सरल हो जाती है। इसीलिए हम अपने प्रौढ़जनों का, हमारे वरिष्ठ जनों का हमेशा आशीर्वाद चाहते हैं। जीवन की इस यात्रा को सतत बनाए रखने के लिए हम सब अनेकानेक प्रयास करते हैं। ऐसे ही इस प्रयास को आगे बढ़ाए रखने के लिए हम अगली कड़ी में आपके सामने लेके आ रहे हैं एक ई एग्जिबिशन। लाइफ इज अ जर्नी। इस ई एग्जिबिशन को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बी के नीता मेहता जी हैं। आइए उनसे समझते हैं इस लाइफ के जर्नी का, यानी इस जीवन यात्रा के एग्जिबिट के बारे में। नमस्कार। ओम शांति। एग्जीबिशन में चलो हम समझते हैं जीवन कैसे एक यात्रा है। जीवन एक यात्रा है और हम सब इस जीवन में यात्री हैं। जिस प्रकार एक यात्री सतर्क होकर अपने मंजिल के ओर कदम बढ़ाता है और यात्रा का आनंद लेता है, इसी प्रकार हमें जीवन रूपी यात्रा में चलते समय कुछ बातों पर अवश्य ध्यान देना है। यात्रा को अंग्रेजी में जर्नी कहते हैं। तो चलो देखते हैं जर्नी शब्द का एक दिव्य अर्थ। पहला अक्षर है जे। जे माना जज, निर्धारित करना। लक्ष्य के बिना कार्यों का दिशा निर्देशन करना असंभव सा है। केवल खाना पीना, पहनना, कमाना, अच्छा पद प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ जीवन यात्रा सुख शांति संपन्न हो, यह लक्ष्य हमें निर्धारित करना है। दूसरा अक्षर है ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर। आजकल अनेक ट्रैवल कंपनियां यात्रा पर जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑफर्स देते हैं। 15 टिकट लेने पर एक टिकट फ्री, वापसी टिकट बुक करने पर एक टिकट कहीं और स्थान की फ्री। ज्ञान के भंडार परमात्मा शिव इस समय हमारे लिए ज्ञान रत्नों की ऑफर लेके आए हैं।
इस ज्ञान रत्न को जीवन यात्रा में साथ रखने से सुख और सफलता हमें फ्री मिलने वाली है। तीसरा अक्षर है यू, अर्जेंसी किट, आवश्यक सामग्री। जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो हम सब आवश्यक सामग्री जुटा लेते हैं, जैसे सामान्य बीमारियों के ऊपर की दवाइयां। जहाज में और विमान में भी पहले से ही आवश्यक साधनों का प्रबंध किया जाता है। वैसे ही जीवन यात्रा में ऐसी घटनाएं और परिस्थितियां उभरती है जिसके लिए हमें पूर्व तैयारी करनी जरूरी है। हमारे लिए वो पूर्व तैयारी है आंतरिक शक्तियां। चौथा अक्षर है आर, रिजर्वेशन, आरक्षण। यात्रा को आरामदायक बनाने हेतु आरक्षण करना आवश्यक है। जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए नैतिक मूल्यों का पासपोर्ट और श्रेष्ठ कर्मों का वीजा ही आरक्षण है। नेक्स्ट अक्षर है एन, एन स्टैंड्स फॉर न्यूनेस, नवीनता। यात्री को हमेशा नई नई स्थान, नई नई चीजें देखना पसंद है। मानव को स्वभाव से नवीनता पसंद है, तो चले हम भी अपने दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यों में नवीनता करें। इससे हमारी जीवन यात्रा आनंदमय हो जाएगी। नेक्स्ट अक्षर है ई, एंजॉयमेंट, खुशी। यात्रा करते समय विभिन्न प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। कहीं हरियालियां, कहीं खाली मैदान, कहीं नदी नाले, कहीं सुंदर झरने, कहीं घने वृक्ष, तो कहीं सूखे पेड़ पौधे। यात्री उसका आनंद लेते लेते आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार जीवन यात्रा में भी अनेक प्रकार के दृश्य हमारे सामने आते हैं, हमें उसे साक्षी होकर देखना है और पार करना है। इससे हम उड़ते हुए गुब्बारे जैसे हल्कापन महसूस करेंगे और जीवन का सहज आनंद लेंगे। लास्ट अक्षर है वाई, यूथफुलनेस, चुस्ती और स्फूर्ति। यात्री हमेशा यात्रा में अपनी चुस्ती और स्फूर्ति बनाए रखता है। कई बार यह देखा गया है कि समूह में जाने वाले बुजुर्ग भाई बहन अपने साथियों को देखकर उन सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं जिनमें वो युवा अवस्था में या बचपन में भाग लिया करते थे। तो हमें भी अपने जीवन में सदैव उत्साह भरपूर रखना चाहिए। फिर से जर्नी शब्द का दिव्य अर्थ समझे। जे टू जज, निर्धारित करना। ओ ऑफर्स, यू अर्जेंसी किट, आवश्यक सामग्री। आर रिजर्वेशन, आरक्षण। एन न्यूनेस, नवीनता। ई एंजॉयमेंट, खुशी। और लास्ट वाई, यूथफुलनेस, चुस्ती और स्फूर्ति। जीवन की यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हम सब की जीवन यात्रा में न जाने कितने लोग साथ में आते जाते हैं, मगर जीवन की इस यात्रा को क्या हम ऐसे ही एक यात्रा के रूप में ही व्यतीत करते हैं? इस एग्जिबिट को समझने में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई है कि हम सब जीवन रूपी यात्रा के हमारे साथियों के साथ एक शुभ यात्रा, एक मंगल यात्रा कर सकते हैं। आइए अब हम शुभकामना संदेश लेते हैं हमारे कार्यक्रम के एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जी से। इस कार्यक्रम में शुभकामना देने के लिए हमारे साथ श्री बुलाकी दास कल्ला जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ राजस्थान टूरिज्म, आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड PHED से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय मंत्री जी का और सुनते हैं उनसे शुभकामना संदेश। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस एक्सप्लोर एक्सपीरियंस एम्पावर में भाग लेने वाले समस्त अध्यात्म नेताओं, विद्वजनों और प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुनिया में ईश्वरीय प्रेम और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना कर मानवीय समुदाय को शांति, सद्भाव और आनंद की अनुभूति के पथ पर अग्रसर करने में ब्रह्मा कुमारी का वर्षों से अग्रणी योगदान रहा है। आज समूची दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है। इस वैश्विक संकट से उबरने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना तथा व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन के साथ ही
लोगों के मनोबल और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। देश और दुनिया के लिए यह सौभाग्य की बात है कि कोरोना काल के इस चुनौतीपूर्ण समय में ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा कुमारी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं हमारे बीच मौजूद है। मुझे आशा है कि रिलीविंग फेथ फॉर बेटर टुमारो विषय पर आज की ई कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों के मंथन से निकलने वाले आध्यात्मिक अमृत का लाभ सभी को मिलेगा। इसके जरिए देश और समाज में सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक वृत्ति और आशावाद के प्रसार को एक नई दिशा मिलेगी। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की गहरी बुनियादी सोच पर आधारित है। अर्थात हम सब सुखी रहें, कोई रोग किसी के पास नहीं फटके तथा सभी का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना की हमारी संस्कृति रही है। मैं कामना करता हूँ कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी का जीवन आनंद से सराबोर रहे, किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं हो। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ही नहीं, जीवन के हर मोड़ पर आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करके जीत का जयघोष करने की ताकत मिले। सभी मिलकर चहुंमुखी विकास एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए बढ़-चढ़ कर कार्य करने को प्रेरित हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन से जुड़ी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस फोरम पर आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी का, जिन्होंने हम सबके लिए प्रेरणाएं दी और शुभकामनाएं संदेश दिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम सब अपने आप को सशक्त बनाने के बारे में सोचते हैं, जीवन की यात्रा के लिए भी हम सब तैयारियां करते हैं। ये जो पहला सेशन है, इसका थीम ही है एक्सप्लोरिंग द सेल्फ। अपने आप को जानने से हम अपने आप को सशक्त भी बना सकते हैं, मगर अपने आप को जानना क्या इतना आसान है? हम सब ये समझ रहे हैं कि जितना मैं दिखता हूं उतना मैं हूं नहीं, जो मैं दिखता हूं वही मैं नहीं हूं। मैं अंदर से एक गहरे समुद्र को लेकर चलता हूं, मेरे व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। अपने को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए आध्यात्म की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। अपने आप को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी हैं। ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी ब्रह्मा कुमारी इसके एडिशनल हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के सेवा केंद्रों की भी ये निदेशिका हैं। अपने जीवन के 70 साल से भी अधिक के समय में उन्होंने आध्यात्म को ही अपने जीवन की दिशा दर्शक के रूप में बनाए रखा है, और यही स्पिरिचुअल कंपस उनके जीवन में देखने को मिलता है, जिसने लाखों लोगों को आध्यात्म के पथ पर अग्रसर किया है। आज दीदी जी हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं, आइए उनसे सुनते हैं स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के विषय में। ओम शांति। आज विश्व ऐसा लगता है जैसे एक छोटा गांव है। कोई भी समाचार जैसे गांव में एकदम सबको पता लग जाता है किसके घर में कहां क्या हुआ। ऐसे ही विश्व में, हर देश में वर्तमान समय पर क्या क्या हो रहा है उसका समाचार हमें तुरंत मालूम होता है। न केवल ये, लेकिन उसका प्रभाव हमारी मन की स्थिति पर क्या होता है और हर एक किस प्रकार के साधन अपना रहा है, उसमें भौतिक साधन मानसिक स्थिति के लिए
और आध्यात्मिकता के लिए हर प्रकार के जो प्रयास किए जाते हैं उसका समाचार भी सबको मिलता रहता है। आजकल हर देश में जो परिस्थिति है उसमें मेजॉरिटी देशों में उसी प्रकार की परिस्थिति होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये तो ज़रूर है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे अंधेरा और प्रकाश, तो उसका प्रभाव उसके विचारों पर होता है, विचारों पर पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा उलझन, जिसको कहें कंफ्यूजन, और उसके साथ साथ निराशा, एंग्जायटी। परंतु जब इस प्रकार की परिस्थितियों का मन पर प्रभाव है तो सभी किस तरह से हम मन को शांत करें, एकाग्र करें, उसकी भी कई तरह की विधियां, कई तरह से अपने जीवन में वो विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आजकल मैंने देखा, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ, कि बहुत ही हर प्रकार से सभी के मन में कैसे आज की परिस्थिति अनुसार हम अपना संबंध, व्यवहार, मन की स्थिति, समय की योजना, धन की योजना, तो उसके बारे में बहुत तरह के प्लान बनाते हैं। और मैं सबको यही कहती हूँ कि प्लान बनाओ लेकिन एकाग्रता आज के दिन पर रखो। भविष्य के सोच में, वर्तमान में हमको परेशान नहीं होना चाहिए। कम से कम आज का दिन मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहूँ अपना मन, अपना शरीर, अपनी और जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे हमको यूज़ करनी है वो हम कर सकते हैं। ये तो ज़रूर होता है कि जब अंधेरा है तो कोई अंधेरा तो नहीं और ढूंढता, प्रकाश ही सोचता है ना कि कहाँ से मैं रोशनी लाऊं, कैसे प्रकाश हो तो हर बात हमको ठीक से दिखाई दे। तो इसी तरह से एक विधि है जिसमें हम उलझन में नहीं, एंग्जायटी नहीं, लेकिन बहुत जैसे स्पष्ट, मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज, देश, अर्थात विश्व के लिए क्या सोचना है और क्या करना है वो स्पष्ट होता है। तो जैसे आप बाहर की जितनी भी परिस्थितियां, जितने भी समाचार हैं, उनसे अपने मन को न्यारा करिए और मन को एकाग्र करिए। भृकुटी के बीच में जहाँ आत्मा ज्योति है, और फिर आप सोचिए तो आप देखेंगे कि बहुत ही आपको आशावादी संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प, कई तरह के आपको बहुत बहुत पॉजिटिव विचार आएंगे। तो इसलिए कहीं भी जब निर्णय करना होता है तो उलझन में मत आइए। बेशक कई प्रकार की आपको राय भी मिलेगी, लेकिन आप अंदर से
आंतरिक रूप से जो आपको संकल्प आए जिस पर प्रभाव नहीं हो किसी का भी, किसी बात का, किसी परिस्थिति का नहीं, एक शांत मन से, विश्वास से आप सोचिए तो आपको हर बात बहुत बहुत स्पष्ट होगी। ये तो हम जानते हैं कि आप किसी भी देश में, किसी भी सिटी में हैं, कहीं भी हैं, हर स्थान पर अलग अलग तरह से परिस्थितियां तो होती हैं। कैसे हम अपनी जीवन में कभी भी निराशा को नहीं आने दें, क्योंकि वो अंधकार की तरह है। कहते हैं ना, लाइट ऑफ होप, आशा है तो प्रकाश भी है, तो आगे स्पष्ट सोच भी पाते हैं, तो निर्णय भी कर पाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि विश्वास जीवन में भी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हम समाचार सुनते रहें और ये सोचते रहे अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अपने मन में हम आशा रखते हैं, ट्रस्ट, विश्वास रखते हैं अगर, तो विश्वास में जो आपका सोच है उससे आपको बहुत बहुत स्पष्ट, आपको जीवन में आगे क्या करना है वो दिखाई देगा। इसलिए कहीं भी आप हैं, विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में आप हैं, आप देखेंगे कि हिंसा का वातावरण भी काफी है। मैं एक ऐसी सिटी में हूं, जब मैं यहाँ आई तो हिंसा की बात होती थी और मुझे हमेशा ये रहता था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, विश्व में शांति होनी चाहिए और विश्व की शांति के लिए मुझे क्या करना है, सोचना भी शांति में है, जो मुझे एक्शन लेना है वो भी शांति में लेना है। और ऐसी एकदम वाइब्रेशन रख के हम लोग आज इतने वर्ष से मैं यहाँ हूँ पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें हिंसा का अनुभव हुआ हो। अपने प्रति नहीं, मैं दूसरों के प्रति भी इसी तरह की वाइब्रेशंस, लाइट का एक कवच सबको मिले जो उनके ऊपर हिंसा का प्रभाव ना हो। तो इसलिए अगर आप विश्वास रखते हैं तो शांति जीवन में बहुत जरूरी है, आपस में प्रेम। तो कोई भी, कैसा भी, किसी भी जाति का, धर्म का, कोई भी मान्यता वाला, किसी भी प्रकार से भिन्नता हो, लेकिन हर एक के प्रति प्रेम का, प्रेम की भावना, प्रेम की दृष्टि, मानव रूप से, आत्मा के रूप से, और हम एक ही प्लेनेट के, एक ही विश्व के सभी, एक जिसको कहें विश्व परिवार है, हम आपस में भाई बहन हैं। तो ऐसे स्नेह की वृत्ति रखने से भी आप देखेंगे कि जो किसी भी अंदर किसी में वैर का, दुश्मनी की भावना आएगी भी, वो परिवर्तन हो जाएगी। तो कदम कदम पर हम किस प्रकार की रचना करना चाहते हैं, हम विश्व के बारे में क्या चाहते हैं,
इस प्रकार के अगर हम संकल्प देखकर किसी भी देश में सारे विश्व के लिए हमारी भावनाएं कि विश्व एक परिवार है और हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम भाई बहन हैं और मेरा जो स्वधर्म है वो शांति और प्रेम है, इस प्रकार के संकल्प रख और इस प्रकार का अगर हम अभ्यास करें तो विश्व परिवर्तन और जिस प्रकार की रचना की आवश्यकता है वो रचना भी हम कर सकते हैं। आपको खुद महसूस होगा कि विश्व एक ही है। बेशक किसी भी कारण से बहुत तरह के विभाजन हैं, समुद्र के भी हैं तो आसमान के भी हैं, पृथ्वी के भी हैं, हर तरह हर जगह विभाजन है, पर अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अब सब एक ही विश्व लगता है। हदें हमने मन से बनाई हुई हैं पर हदें है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मन की एकाग्रता को बढ़ाकर अपने मन में मेरा जो स्वधर्म शांति और प्रेम है उसमें मन को एकाग्र कर और वर्तमान समय पर जीवन में सदा ही सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हुए, बहुत जरूरी है कि हम न केवल सफलता को पाएंगे पर दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहिनी दीदी जी का, जिन्होंने अपने आप को सशक्त करने के बारे में, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बारे में हम सबको बताया। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आज के समय के लिए तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। ये तो आपने सुन लिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं और उसे हम जीवन में कैसे उतारें। इन प्रेरणाओं के पश्चात आइए कुछ अनुभव भी सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस ज्ञान को, इस प्रिंसिपल को, इस थियोरी को अपने लाइफ में प्रैक्टिकल में उतारा है। अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक जगदीश जी हैं, जो डायरेक्टर हैं डायमंड इंजीनियर्स के, एक एक्सपोर्टर हैं, एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने जब अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई किया तो इनको क्या फायदे हुए, इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आइए जानते हैं दीपक जगदीश जी से। ओम शांति। एज यू सी देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्राइसिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ड्यू टू दिस पैंडमिक। There's a lot of pressure to cope up, either it be a child, either it be an adult, either it be an elderly person. बच्चों को things have become online, different syllabus, understanding things online has become very difficult. They are not able to go to the schools. Adults, there's a lot of problem with the jobs. Everywhere there is a job loss or, you know, they are impacted by the numbers or there's a lot of pressure keeping the job secure. एंड अगर आप जैसे देखोगे जो ओल्ड लोग है, सो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद देयर हेल्थ एज दे आर नॉट एबल टू वॉक ड्यू टू द पैंडमिक। पीपल हैव टू बी इनसाइड देयर हाउस, सो देयर इज लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। सो ड्यूरिंग सच अ पीरियड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग। वी नीड टू कीप टॉकिंग टू आवर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, एज हमारे अपने आप को हमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता है। So it is very necessary to talk to our own self and do the right thing, what is needed at the right situation. जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, लोग नंबर्स के पीछे भागते हैं, कमाने के पीछे भागते हैं। ज़रूरी है,
बट एट व्हाट कॉस्ट। अगर आप देखोगे, हम जब बॉर्न होते हैं, वी डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग विद अस, ना हम कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाने वाले हैं, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाने वाला है। सो इट इज़ बेटर टू बी काम, पॉजिटिव, डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, अपने हेल्थ का ध्यान दो, बी फिट मेंटली एंड फिजिकली। एंड यस, फिजिकली फिटनेस फिट रहने के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फिजिकल फिटनेस में मदद करेगा। एंड अगेन, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मेंटली फिट करेगा। जो इफ़ यू आर मेंटली फिट, यू कैन टेक केयर ऑफ द पीपल नेक्स्ट टू यू, योर नेबर्स, योर रिलेटिव्स, योर पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज इफ यू योर सेल्फ इज नॉट हैप्पी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ एनी वन एल्स अराउंड यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। एज यू मस्ट हैव हर्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मेंटली एंड फिजिकली फिट रहेगा, दे विल सर्वाइव, दे विल ओवरकम दिस पैंडमिक इन अ वेरी गुड वे। एंड आप और लोगों का मदद कर सकते हो और आप लोगों को ध्यान भी रख सकते हो। अगर हम खुद फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते और किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते। एंड दिस इज अ टाइम, एक पीरियड होता है लाइफ में, एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है लाइफ में, जो पास ऑन हो जाएगा। जैसे कि बोलते हैं, आफ्टर एवरी नाइट देर इज़ अ डे, सो दिस पीरियड ऑल्सो विल पास ऑन एंड आई एम श्योर द सन विल शाइन। सो आई वुड ओनली सजेस्ट एवरी वन टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, डू मेडिटेशन, डू वर्कआउट्स, बी पॉजिटिव। थैंक यू। दीपक जगदीश जी से ये सुंदर एक्सपीरियंस सुनने के बाद हमें भी लगता है कि हमें भी एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का थीम ही ये है कि एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और एम्पावर। जब आपने एक्सप्लोर किया तो उसे अनुभव करने की भी आवश्यकता है, और अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ा टीचर कहलाता है। तो आइए मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठी, अपना ध्यान सब बातों से हटाकर अपने ऊपर फोकस करें, शरीर को रिलैक्स करें। Relax all the muscles and nerves in the body. Let yourself settle into a very calm and relaxed state. Sara sharir aur indriya shant aur sthir hain. मन भी रिलैक्स्ड और फोकस्ड है। अब अपना ध्यान मस्तक के बीच, इन आंखों के पीछे भ्रिकुटी पर एकाग्र करें। बुद्धि के नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करें, मैं कौन हूं। इस शरीर में सोचने समझने वाली, महसूस करने वाली, इंद्रियों से कर्म करने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, अ स्पार्क ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। I am a spiritual being playing a role through this body. मैं आत्मा इन इंद्रियों की मालिक हूं। जब चाहूं
इनसे कर्म कर सकती हूँ, जब चाहूँ इन्हें रिलैक्स कर सकती हूँ। इसी तरह मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि की मालिक हूं, जब चाहूं अपने थॉट्स को जिस दिशा में ले जाना चाहूं ले जा सकती हूं। किसी भी मोमेंट अपने ध्यान को जहां फोकस करना चाहूं कर सकती हूं। सारा दिन अपने रोल में हम बिजी रहते हैं, उस समय हमारा ध्यान कोई ना कोई कर्म में, किसी बात में, दूसरे व्यक्ति में, हमारे आसपास जो हो रहा है उन बातों में फोकस्ड रहता है। कर्म करते हुए बीच बीच में हम अपना अटेंशन बाहर से विड्रॉ कर, अपने रोल से विड्रॉ कर, अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र करें। एक शुद्ध संकल्प में अपने को एकाग्र करें और उसकी अवेयरनेस में स्थित हो जाएं। कुछ समय के लिए मन बुद्धि द्वारा चलें इस देह और देह की दुनिया से पार। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य आत्मा, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद ग्रहों से भी पार, एक दिव्य प्रकाशमय लोक में पहुंच गई हूं। ये शांति धाम, परम धाम, मेरा स्पिरिचुअल होम, रूहानी घर है और यहां मेरे पिता, परम पिता परमात्मा भी हैं। शांति के सागर, सारे विश्व को शांति और प्योर वाइब्रेशंस देने वाले सर्वशक्तिवान, परम पवित्र परमात्मा, मैं उनके समीप, उनके सामने स्थित हूं। जैसे सूर्य की रोशनी में हम खड़े होते हैं तो उसकी किरणों से
प्रकाश और शक्ति लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा की शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के अंदर शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस फैला रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ज्ञान सूर्य परमात्मा की ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझे शांति से भरपूर कर रही हैं। अब इस अनुभव को अपने अंदर समाकर मैं अपने मन बुद्धि द्वारा फिर से अपने रोल में लौट रही हूं। इस शांति की वाइब्रेशन को अपने अंदर चारों ओर महसूस करें। फील दिस एनर्जी ऑफ पीस फ्लोइंग इनटू एवरी सेल इन द बॉडी रेडिएटिंग ऑल अराउंड यू। अब इस शांति की एनर्जी को हम अपने रोल में हर संबंध में हर कर्म में हर सिचुएशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस खूबसूरत मेडिटेशन एक्सपीरियंस के बाद आइए सुनते हैं एक और अनुभव को। हमारे साथ हैं महारानी गीता परवानी जी, रॉयल फैमिली ऑफ करौली स्टेट मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 20 वर्षों से भी अधिक समय से इन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है। आइए उनसे भी सुनते हैं कि मेडिटेशन के फायदे बेनिफिट्स उनके लाइफ में क्या रहे हैं। महारानी गीता परवानी जी। ओम शांति। आज मैं बहुत खुश हूँ, परमात्मा ने मुझे ऐसी योग समझा कि मैं उनके बारे में उनके ज्ञान के बारे में आप सबको संदेश दे सकूं। सच मानिए भाई बहन, परमात्मा इस धरती पे आ चुके हैं और बहुत ही गुप्त रीति से वो अपना कार्य कर रहे हैं, नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं और उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो उस नई दुनिया में आने वाले हैं। ये बात मेरी समझ में तब आई जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, उनके साथ गांव जाना हुआ और फिर वहां के क्रियाकलापों को देख कर समझ में आया कि सचमुच ये कोई नई दुनिया है और यहाँ के लोग नए स्वभाव संस्कार वाले हैं जो इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। ये कोई ईश्वरीय कार्य ही हो सकता है। मैं इनके संपर्क में रही, अनुभव किया
और गर्व बहुत करीब से उन्हें देखा और जाना। आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ, यहाँ मैं परमात्मा को जानती हूँ, मैंने उनको अनुभव किया है। मेरे भाई बहन, आप सब भी उन्हें अनुभव कर सकते हैं। अगर आप सब भी भगवान से मिलना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आइए और अनुभव कीजिए कि परमात्मा यहाँ से कौन सा ज्ञान दे रहा है, क्या बना रहा है। सच मान मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया, बहुत बदलाव आए। अब सुख, शांति, प्रेम, आनंद सबका अनुभव इसी जीवन में कर रही हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये बताकर। आप सब भी इस ज्ञान को जरूर अपने जीवन में धारण करके देखिए कितना चेंज आएगा। इस उभरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने इस ज्ञान को सुना है, समझा है, अपने जीवन में इनकी बातों को धारण किया है, वह बहुत सुखी है। आप सब भी सुखी हो ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामना है। महारानी गीता परवानी जी का हमने अनुभव सुना। इन अनुभवों को सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेडिटेशन सिर्फ सुनने की बात नहीं है, लाइफ में उतारने और उसे एक्सपीरियंस करने की बात है। जीवन के अनुभवों को जितना हम साथ साथ करते जाते हैं, तब हमें लगता है कि ये जीवन यात्रा सुगम होती जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के प्रति शुभकामना संदेश देने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान हैं। हमारे साथ अशोक वर्मा जी हैं, जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जुहू एरोड्रम के। आइए सुनते हैं उनसे भी शुभकामना संदेश आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हाँ नमस्कार। सांता क्रूज का जो अपना ब्रह्म कुमारी जिसका सेंटर है, वहाँ पे मेरे को मीरा दीदी ने इनवाइट किया कि इतना बढ़िया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इनफैक्ट मेडिटेशन का जो प्रचार ब्रह्म कुमारी आश्रम कर रहा है, उसकी महत्ता को मैंने खुद ने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मैं खुद भी एक रेगुलर मेडिटेटर हूँ। इनफैक्ट इस कोविड पीरियड में स्पेशली मैंने देखा कि हमारा जो एयरपोर्ट है, ये जुहू एयरपोर्ट हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जो शुरू हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है ये। और यहाँ पे अगर सारे लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, लगभग 2 से 2500 लोग काम कर रहे हैं, और ONGC का बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। इस कोविड पीरियड में मैंने देखा कि इतना पूरी दुनिया हिल गई, लोग बहुत परेशानी में थे मैंने देखा, लेकिन मैं रोज़ सवेरे मेडिटेशन में मेरे एयरपोर्ट के सभी लोगों की शुभकामनाएं देता था, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन देता था। मैंने रियली एक अजूबा देखा कि हमारे एयरपोर्ट पे बेर मिनिमम लोग ही अफेक्ट हुए कोविड से, एक भी डेथ नहीं हुई, सभी लोग बराबर काम करते रहे, एयरपोर्ट एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, जबकि मैंने कई जगह देखा कि एयरपोर्ट्स तक को बंद करने पड़े। और स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो यहाँ पे होता है ONGC का, ऑयल एक्सट्रैक्शन का ऑफशोर में बॉम्बे हाई में, उसमें लगभग डेली 70-80 ऑपरेशन होते हैं, एयरक्राफ्ट जाते हैं, और वो कभी एक भी दिन वो ऑपरेशन नहीं रुका और बराबर सारा काम चलता रहा। लोग भी इस बुरे समय में भी ठीक ठाक रहे और अपना काम करते रहे। तो मेरे को लगता है कि ये जो मेडिटेशन की जो ताकत है, ये बहुत अजीबोगरीब ताकत है, लोगों को इसका अनुमान नहीं है। सभी लोगों को अपने जीवन में अगर सब लोग अपनाएंगे तो पता नहीं कितना भयंकर चेंज हो सकता है। तो मैं आज के दिन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग आयोजन कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम सब ने समझा कि एक्सप्लोरिंग द सेल्फ कितना इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को सही तरीके से जानना कितना इम्पॉर्टेंट है। न जाने कितने बार हम दिन भर में मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या हम इसके सही आयाम समझते हैं? आगे हम यही कोशिश करने वाले हैं। वक्त है एक और ई एग्जीबिशन का। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नीता मेहता, जो हमें
एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ के ही एक और खूबसूरत आयाम के बारे में बताने वाली हैं। आइए चलते हैं उनके पास। नमस्कार, ओम शांति। सैट विन की ई एग्जीबिशन में चलिए आज बात करते हैं द ट्रैवलर विद इन। जीवन अनादि है जो चलता ही रहता है, हम सब यात्री हैं। इस जीवन में हम यात्रा कर रहे हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये यात्रा करने वाले वास्तव में हम कौन है? जहाज और विमान ये यात्रा के साधन है, तो ये पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर जो है वो भी एक साधन है जिसके द्वारा मैं इस जगत की यात्रा कर रही हूं। एक गोताखोर को सागर की गहराई में जाने से ही पता चलता है कि सागर के तले में क्या है। इसी तरह हमें भी जब हम अपने भीतरी जगत की ओर जाते हैं तब हमें हमारी सही पहचान मिलते हैं। फलतः हम जानते हैं कि हम ये यात्रा करने वाले कौन है। इसके लिए अंतकरण में उठ रहे अनेक प्रकारों के व्यर्थ और कमजोर विचारों को समेट कर ज्ञान प्रकाश का आधार लेकर हमें अपने भीतर जाना होगा। जैसे गोताखोर अपनी विशेष प्रकार की पोशाक और टोपी धारण करके सागर की गहराई में जाते हैं, उसी तरह हमें भी शुद्ध विचार, सकारात्मक और समर्थ विचारों का आधार लेके अपने भीतर जाना है। ऐसा करने से हमें अपनी वास्तविक स्वरूप की पहचान मिलती है। अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो चेतन है, दिव्य है, प्रकाशमान है, उसकी महसूसता होने लगती है। जितना हमारे विचार सही और समर्थ होंगे उतना जल्दी हम निज स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। मुझ यात्री की सही पहचान यही है, मैं आत्मा एक यात्री हूं और ये शरीर एक साधन है जिसके जरिए मैं यात्रा कर रही हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार सहित हूँ। पहले हम मन के बारे में बात करते हैं। मन अर्थात अनेक प्रकार के संकल्पों का समूह जिसे कंप्यूटर के चिप के रूप में दिखाया गया है। मन आत्मा के तीन शक्तियों में से सबसे प्रबल शक्ति है। समर्थ और श्रेष्ठ विचार मन, शक्तिशाली मन, व्यर्थ और नकारात्मक विचार अर्थात कमजोर मन। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। अपने मन में उठ रहे विभिन्न विचारों पर निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि कर्मों को दिशा देती है जिसे स्टीयरिंग के रूप में दिखाया गया है। बुद्धि को स्वच्छ करने का साधन है ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार, जिसे ब्लैक बॉक्स तथा रस्सी के रूप में दिखाया गया है। विमान में सारी सूचनाएं इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। हम जो कर्म करते हैं वो भी आत्मा में संस्कार रूप में रिकॉर्ड होते हैं। हमारी सही पहचान हमें जब मिलती है तो हमें जीवन यात्रा का सच्चा आनंद प्राप्त होता है, जीवन में संतुलन बना रहता है। हेलीकॉप्टर में जैसे आगे और पीछे दो पंखे संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही मन और बुद्धि का संतुलन हमारे कार्यों को सही दिशा देता है। जब हमें अपनी सही पहचान मिलती है तब हमारे विचारों में शुद्धता आती है। हंस जैसे कंकड़ और मोती अलग कर सकता है, वैसे हम भी सही और गलत इसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए स्वयं को हम पहचाने और अपनी जीवन यात्रा सुखमय बनाए। जब यात्री की बात की जाती है दोस्तों, तो हम सभी ये सोचते हैं कि जब हम कहीं निकलते हैं यात्रा को तब यात्रा शुरू होती है। मगर इस ई एग्जिबिट से ये समझ में आया कि हम अपने आप में सभी यात्री हैं, द ट्रैवलर विद इन। और उस यात्री से आपकी भी मुलाकात हुई होगी। आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्वामीनाथन जी हैं। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक बहुत ही जाने माने मेमोरी मैनेजमेंट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके वक्तव्यों को जितने बच्चे पसंद करते हैं उतने युवा भी बड़े चाव से सुनते हैं। साथ साथ हर उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट करने के इनके इस अनोखे अंदाज को हर कोई पसंद करता है। सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, मगर उस मोटिवेशन को अपने जीवन में उतार कर स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा बना लेना, सिर्फ मोटिवेशन के लिए एक टॉक सुनना नहीं मगर हमेशा मोटिवेटेड रहना, ये
प्रोफेसर स्वामीनाथन जी के खास वक्तव्यों में देखने को मिलता है। आइए सुनते हैं उनसे, प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी। ओम शांति और नमस्कार दोस्तों। कहते जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, और अगर देखा जाए तो हम सभी जन्म जन्मांतर की यात्रा इस धरती पर कर रहे हैं। इसे हम सबको यात्रा करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि हम इस धरती पर एक टूरिस्ट भी हैं तो एक गेस्ट भी हैं, कुछ समय के लिए इस धरती पर आए हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर चलूंगा, और आज की यात्रा हमारी होगी नॉर्थ पार्ट ऑफ केरला विच इज कॉल्ड एज कन्नूर। और दोस्तों केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। केरला को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। तो यहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहते हैं, तो यहाँ के लोगों ने तीन कारण बताए। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि यहाँ की प्रकृति बहुत बहुत सुंदर है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि यहाँ पे चारों तरफ बहुत अच्छी स्वच्छता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग 100% पढ़े लिखे हैं, 100% लिटरेसी। अगर देखा जाए तो ये तीनों कंडीशंस तो विश्व के बहुत सारे देशों में हैं। फिर केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहा जाता है? पहली बार मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म ने 1989 को केरला को गॉड्स ओन कंट्री करके रेफर किया गया। लेकिन अगर थोड़ा चिंतन करें दोस्तों तो ये तीनों कारण जो हैं बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है सुंदर प्रकृति। आज मैं इस सागर के किनारे सुंदर प्रकृति के नज़दीक हूँ, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो सचमुच वो ईश्वर का सानिध्य हमें समझ में आता है। आपने सुंदर सा गीत सुना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वैसे भी ईश्वर को ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं। तो जब हम प्रकृति के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो ईश्वर के वो प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर की वो सुंदर प्रकृति को भी स्पर्श करता है, राइट? ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो है कि स्वच्छता। कहते हैं क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। दोस्तों सिर्फ बाहर की स्वच्छता सिर्फ जरूरी नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमारे अंदर की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। और तीसरी बात, जहां तक पढ़ाई की बात है, तो जब भी कोई टूरिस्ट कोई यात्रा करता है तो उनको दो सब्जेक्ट्स उनको समझने में बहुत आनंद आता है। एक है इतिहास और दूसरा है भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ऐसे जब भी कोई टूरिस्ट यात्रा करता है तो किसी म्यूजियम में जाकर वो इतिहास के नज़दीक जाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है दोस्तों अगर हमें अपने इतिहास को जानना है तो सबसे अच्छी जगह मंदिर है। तो चलिए आज हम एक सुंदर मंदिर के लिए यात्रा पर हम निकलते हैं, और इस यात्रा पर हम अपने इतिहास को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, और इस यात्रा में हम सुंदर ज्योग्राफी को, भूगोल को, सुंदर प्रकृति के सानिध्य में हमें सुंदर यात्रा पर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी इन गॉड्स ओन कंट्री कन्नूर केरला।
उत्तिष्ठ गरुड ध्वजा उत्तिष्ठ गमला कांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड ध्वजा उत्तिष्ठ गमला कांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। ओम शांति। इस सुंदर यात्रा पर आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत प्यारा और पवित्र तीर्थ स्थान पर। और दोस्तों, हमारे जो तीर्थ स्थान होते हैं वो हमारे मंदिर होते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है आप सबसे ये शेयर करने के लिए। बहुत बहुत पुराना एक भगवती देवी के मंदिर पर आज मैं पहुंचा हूं। बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर प्रकृति है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और ऐसे समय पर इतना पवित्र और प्योर वाइब्रेशंस पर आज मैं ये देवी के मंदिर में पहुंचा हूं। ये बहुत बहुत पुराना मंदिर है जिसको भगवती क्षेत्रम कहते हैं। कन्नू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है मलपट्टम। मला मीन्स पर्वत, चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ ये पुराना मंदिर पर आज हम पहुंचे हैं। तो दोस्तों, किसी भी मंदिर, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, मंदिर में प्रवेश करने के पहले सबसे पहले हमें चप्पल को बाहर रखना होता है। अब इस बात पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि हम चप्पल को क्यों बाहर रखते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसलिए बाहर रखते हैं क्योंकि हम मंदिर में प्रवेश करने के पहले हमारे अंदर जो देह भान है और देह अभिमान है उसको बाहर रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली वी हैव टू कीप अ बॉडी कॉन्शियसनेस आउटसाइड। तो चप्पल अर्थात चमड़ी, तो ये शरीर या चमड़ी के भान से बाहर निकल कर जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के शुद्ध स्वच्छ पवित्र प्योर वाइब्रेशंस को हम अपने जीवन में है ना अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सी जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी हम ये पुराने भगवती मंदिर के एकदम द्वार पर खड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि दक्षिण के मंदिर में जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो खास पुरुषों के लिए नियम या मर्यादा होता है कि वो अपने शर्ट या कमीज को बाहर रखते हुए मंदिर में जाना होता है। अक्सर करके यह बात मैंने उत्तर के मंदिरों में इतना नहीं देखा है। तो जब मैंने यह पता लगाने की कोशिश की ऐसा क्यों ये सिस्टम बना हुआ है तो मुझे बताया गया कि शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जब भी कोई पुरुष मंदिर के अंदर जाए तो वो अपना जो मेल ईगो या पुरुष अहंकार को बाहर रखते हुए बड़े विनम्रता पूर्वक अगर वो मंदिर में जाते हैं और वो समर्पण बुद्धि अगर उनके पास होती है तो उस देवी के जो आशीर्वाद, उनकी दुआएं ज़रूर ज़रूर मिलती है। इसीलिए इस विनम्रता को लेते हुए, इस विनम्रता को ग्रहण करते हुए हम इस मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। प्रभातम् भृंगावलीतमकरन्दरसानुविद्धघण्टारकेतरिनदैस्वसेवनाय। दोस्तों, आज इस भगवती जो मंदिर है उनके आदरणीय चेयरपर्सन हमारे साथ हैं, रिस्पेक्टेड रामेंद्रन सर हैं। आदरणीय रामेंद्रन सर ने इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें समझाया और उन्होंने कहा कि करीब 1500 वर्ष पूर्व का ये मंदिर है, देवी मंदिर है। और ख़ास कर उनको शिव शक्ति कहा जाता है, शांत स्वरूप कहा जाता है। और इतिहास में वो बताते हैं कि जो असुर थे उन्होंने असुरों पर विजय पाई और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शक्ति स्वरूप भी गाया हुआ है। दोस्तों, हमने यहाँ के जो आदरणीय पुजारी जी हैं उन्होंने हमको बताया कि इस मंदिर के कौन कौन सी विधियाँ होती है। इनफैक्ट जो शुरुआत होता है सुबह के ठीक 5 बजे शंख ध्वनि करके, राइट, और उसके बाद सारे दिन के अलग अलग पूजा के बारे में बताया गया। यहाँ पर यह भी बताया गया कि इस देवी मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया जाता है जहाँ पर उनकी शिक्षा की शुरुआत होती है। पुजारी ने हमें बताया इस पूजा को वो विद्या आरंभम कहते हैं। विद्या मतलब शिक्षा, आरंभम मतलब उसकी शुरुआत। इनफैक्ट यहाँ आकर मुझे बहुत सारी ज्ञान की सूक्ष्म बातें समझ में आई।
जैसे यहाँ पर आते ही साथ हमने देखा देवी के मूर्ति के चारों तरफ एक प्रकाश या ज्योति स्वरूप। ये हमें दर्शाता है कि हम शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा है। और जो मुझे यहाँ पर उन्होंने प्रसाद दिया उसमें चंदन दिया गया और उस चंदन को हम यहाँ पे ब्रिकुटी के बीच में लगाते हैं, यह भी आत्मस्मृति का तिलक है। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने हमें बहुत सारे इस प्रसाद में बहुत फूल दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि इन फूलों जैसा खुशबूदार हमें अपने जीवन को बनाना है, राइट? हमारे जीवन में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप हमारे जीवन में धीरे धीरे धारण करना है। इस मंदिर में मैंने यहाँ पर प्रवेश द्वार पर एक दर्पण देखा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि ये दर्पण क्यों रखा है, और ख़ास कर भक्तजन जो आते हैं ये मंदिर में प्रवेश करने के पहले दर्पण देखते हैं या देवी दर्शन के बाद वो दर्पण देखते हैं। तो हमें बताया गया कि सभी भक्तजन देवी का दर्शन लेकर जब प्रसाद लेकर आते हैं तो ये दर्पण को यूज़ करते हैं, चंदन या तिलक को ब्रिकुटी में लगाते हुए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस विधि से हमें यह समझना है ज्ञान के स्वरूप में कि ये सिर्फ दर्पण नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये ज्ञान रूपी दर्पण है। जब हम मंदिर में देवी के दर्शन के लिए गए थे तो एक आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियस के स्वरूप में हम वहाँ पर अंदर जाकर, है ना, वो स्मृति से जब हम वापस आते हैं तो अपने आप को इस ज्ञान रूपी दर्पण में देखकर अपने आप को देखना है कि मैं फिर भी वो आत्मिक स्मृति में टिका हुआ या नहीं हूँ। और सारे दिन में इसी स्मृति के साथ हमें कार्य व्यवहार ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। तो एक्चुअली ये ज्ञान रूपी दर्पण है जो बीच बीच में हमें अपने आप को इस दर्पण में देखना चाहिए। देवी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं एक ऊंचाई के स्थान पर जहाँ पे परमात्मा शिव का शिवलिंग है। शिवलिंग जो है वो निराकार परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग की इतनी पूजा करते हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। आप किसी भी मंदिर में जाइए, जो पुराने से पुराने मंदिर में भी शिवजी की स्थापना ज़रूर होती है। और आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि परमात्मा शिव जो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु आकर इस धरती पर आकर बहुत स्नेह और प्यार से हमें ये ज्ञान देते हैं। इसे शिवजी को ज्ञान का सूर्य और ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वो आकर हमें आदि मध्य अंत का इतिहास बताते हैं और ये भूगोल बताते हैं कि बच्चे ये धरती पर एक समय पे देवी देवताओं का निवास स्थान था। हम आत्माओं को भी इतना दिव्य गुणों को धारण करना है, और वो दिव्य गुणों को हम आत्माएं कैसे धारण करेंगे, जब हम परमात्मा को मन से याद करेंगे। शिव जी को सिर्फ पूजा करने से नहीं, लेकिन परमात्मा को बहुत दिल से मन से याद करना। तो ये यात्रा सिर्फ जिस्मानी यात्रा नहीं है, लेकिन ये मन के द्वारा याद की यात्रा पर निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये याद की यात्रा को राजयोग कहा जाता है। भारतवर्ष के सभी मंदिरों में आप देखेंगे श्री कृष्ण की पूजा होती है, श्री राम की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन खास गॉड्स ओन कंट्री केरला में जो पूजा होती है वो है श्री अय्यप्पन की। और ख़ास करके यहाँ पर आप जो विग्रह देखते हैं
श्री अय्यप्पन का है जिनको कलयुग का देवता कहा जाता है। खास कर जो शबरीमला करके जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर लाखों भक्तजन ज़रूर ज़रूर जाते हैं। मुझे लगता है कि परमात्मा इस धरती पर आकर हमें वो धारणाएं, वो मर्यादाएं, वो पवित्रता की वो रहस्य हमें बताते हैं जिससे हम फिर से देवपद को प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष अगर आपको श्री अय्यप्पा के मंदिर में शबरीमला जाना होगा तो कहा जाता है 41 डेज का आपको उपवास रखना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है, पवित्रता की प्रतिज्ञा रखनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, इसके अलावा खान पान की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि। इसका अर्थ ये होता है कि कलयुग के अंत में अगर हमें परमात्मा की वो दुआएं और आशीर्वाद को लेना है तो अपने जीवन में ये स्वच्छता लेकर, अपने जीवन में शुद्धता पवित्रता लेकर आना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमको यहाँ पर आकर यही प्रेरणा मिली कि जितना हम परमात्मा को याद करते रहेंगे उतना हमारे जीवन में ये सर्व सद्गुण पवित्रता धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगती है। ओम शांति। चलिए अब हम एक सुंदर याद की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले एक आंतरिक यात्रा। लेट्स ट्रैवल एन इनवर्ड जर्नी। यह मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है और मैं भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ चैतन्य मूर्ति। मैं आत्मा दिव्य गुण संपन्न, मेरा आदि स्वरूप पूज्य स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ और शक्ति स्वरूप। मैं ऊपर की यात्रा की ओर बढ़ता हूँ। I now take an upward journey। मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा मैं उस पिता परमात्मा को याद करता हूँ, परम ज्योति परमात्मा शिव। शिव बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं और शक्ति के सूर्य। जितना मैं शिव बाबा को याद करती हूँ उतना मैं आत्मा सर्व गुणों से भरपूर बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा इन दिव्य गुणों के द्वारा कर्म क्षेत्र पर आती हूँ। मैं प्रण करती हूँ मुझे संपूर्ण शुद्ध स्वच्छ और पवित्र बनना है, इसलिए मैं आत्मा आहार शुद्धि व्यवहार शुद्धि को जीवन में धारण करूँगा। मेरे बोल बहुत मधुर और मीठे होंगे। मैं सारा दिन परमात्मा की याद में रहते हुए कर्म करूंगा और शांति के प्रकंपन सारे विश्व में फैलाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा।
शांति का आएगा जब सवेरा दूर हो जाएगा सब अंधेरा एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा होगा इंसानों में भाईचारा आपसी प्यार इतना बढ़ेगा कोई भी देश फिर ना लड़ेगा जग से उठ से उठेगा शस्त्रों का डेरा दूर हो जाएगा सब अंधेरा शांति का आएगा जब सवेरा दूर हो जाएगा सब अंधेरा समाज होगा हर तरफ शांति का राज होगा होगा जन जन का दर्जा बराबर सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर होगा घर घर में सुख का बसेरा दूर हो जाएगा सब अंधेरा शांति का आएगा जब सवेरा दूर हो जाएगा सब अंधेरा दूर हो सब अंधेरा दूर हो जाएगा सब अंधेरा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर स्वामीनाथन जी का। आशा करते हैं उनके इस टॉक से आप सभी भी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हुए होंगे। दोस्तों, अब हम अपने उद्घाटन सत्र के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। आशा करते हैं कि इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आप हमारे साथ रहेंगे और ऐसे अनेकों प्रेरणादायी विचार सुनने का आपको जो मौका मिलेगा उसका आप लाभ लेंगे। आज के इस पहले सत्र में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे सत्र में फिर मुलाकात होगी, हमसे जुड़ना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। द जर्नी ऑफ लाइफ विल हैव डिफरेंट टेरेन्स, सम सीन्स आर प्लेजेंट एंड सम चैलेंजिंग। Let us explore the right ways of thinking and living to experience happiness always, because that will empower you and everyone around you. Brahma Kumari's Shipping Aviation Tourism Wing presents a two-day e-conference. Explore, experience, empower.
Explore, Experience, Empower. On 24th and 25th July, morning 10 a.m. to 12 noon and evening 5:30 p.m. to 7:30 p.m. On Awakening TV channel, Tata Sky 1084, Jio TV 1060 and Brahma Kumari's YouTube channel.